Hello student, welcome to Study Point class 9th. So in today video we are going to understand our class 7th chapter whose name is the Ballad of Mulan. Before starting video, अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कीजिए और bell icon को दबाना ना भूलिए. तो अब हम हमारा chapter start करने जा रहे हैं. CXCX again CXCX Mulan weaves facing the door. You don't hear shuttle sound. You only hear daughter sigh. तो यहाँ पे CXCX may be एक sound है जो again and again produce हो रहा है और may be ये एक Chinese surname भी हो सकता है. यहाँ पे जो Mulan है वो बुनाई कर रही थी दरवाजे को देखते हुए और shuttle यहाँ पे एक तरीके का object है जो बुनाई बनाने के लिए use होता है, जैसे कि आप image में देख सकते हैं. उसकी भी आवाज इनको नहीं आ रही थी, उन्हें सिर्फ जो daughter है बुनाई करते हुए जो सांस ले रही थी, exhale कर रही थी, उसकी voice सुनाई दे रही थी. वो डॉटर से पूछते हैं कि कौन है उसके दिल में, कौन है उसके माइंड में. डॉटर मतलब यहाँ पे ऐसा जवाब मिलता है हमें, नो वन इन डॉटर हार्ट, मतलब डॉटर के हार्ट में कोई नहीं है, उसके माइंड में भी कोई नहीं है. बस उसने पिछली रात एक ड्राफ्ट पोस्टर देखा था. तो यहाँ पे ड्राफ्ट पोस्टर एक रिटर्न ऑर्डर होते, मतलब जो इम्पीरियर जो किंग ने ऑर्डर दे रखे है उस एक पेपर में लिखे हुए ऑर्डर होते हैं. जो खान है वो बहुत सारे ट्रूप्स बुला रहे हैं. अब ट्रूप्स यहाँ पे क्या हुए, मतलब जो फौज है ना, फौज उसके मतलब झुंड समझ लो. तो जो खान इम्पीरियर है वो युद्ध होने वाला है तो उसके लिए ट्रूप्स बुला रहे हैं और उन्होंने इसके लिए 12 स्क्रोल्स में आर्मी की लिस्ट है. मतलब ऐसे स्क्रोल क्या होते हैं, जो रिटर्न ऑर्डर ना एक पेपर्स में लिखे होते, वैसे में के टोटल 12 बनाए भेजे है गांव में. एवरी स्क्रोल पे फादर का नेम है, बट जो मुलान के फादर है उनका तो कोई भी ग्रोन अप सन नहीं है, मतलब कोई भी एक बड़ा बेटा नहीं है. मुलान का कोई एल्डर ब्रदर भी नहीं, एल्डर ब्रदर मीन उसका बड़ा भाई. तो वो मुलान मतलब उसके फादर सिक रहते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो मतलब उनकी प्लेस पर कौन जाए, क्योंकि अगर किंग ने ऑर्डर दिए है तो जाना तो पड़ेगा. तो मुलान क्या करती है, वो जाती है एक सैडल एंड हॉर्स को बाय करने के लिए कि वो अपनी फादर की प्लेस में क्या करे, आर्मी में सर्व कर दे. In the east market, she buy a spirited horse. In the west market, she buy a saddle. In the south market, she buy a bridle. In the north market, she buy a long whip. मतलब जो मुलान है वो अपने फादर की प्लेस पे आर्मी में सर्व करने जा रही है क्योंकि कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो वो क्या करती है, ईस्ट मार्केट में एक बहुत ही एनर्जेटिक, एक बहुत ही साहसी हॉर्स को बाय करती है, एक सैडल को बाय करती है. अब सैडल क्या होता है, अब हॉर्स के ऊपर जो बैठेगी ना, जैसे आप इमेज में देख सकते हो एक बैठने के लिए होता है, वो एक ब्रिडल भी बाय करती है. ब्रिडल क्या होता है, लगाम जो हॉर्स के मुंह के वहां पे लगा रहता है, जैसे कि इमेज में शोन हो रहा है. और वो एक लॉन्ग वीप भी वहां से बाय करती है. वीप क्या होता है, कोड़ा, जैसे कि इमेज में वो मुलान के हैंड में भी वो है. अब जब उसने युद्ध में जाने की सारी तैयारी कर ली है तो एट डॉन शी टेक्स लीव्स ऑफ फादर एंड मदर. मतलब सुबह सुबह वो अपनी फादर मदर से यहाँ पे जाने की इजाजत लेती चली जाती है और वह देखती है कि जो येलो रिवर बैंक है, मतलब जो चाइना की सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, उसके किनारे पर कैंप्स लगे हुए है. मतलब उसे वहां पे जाते जाते इवनिंग हो जाती है. अब उसे क्योंकि वो अपने होम से बहुत ज्यादा फार आ चुकी है तो उसे अपने फादर मदर की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही है. वो सिर्फ क्या सुन रही है, जो येल्लो रिवर में जो फ्लोइंग वॉटर है उसकी आवाज सुनाई दे रही है. अब वो वहां पे भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है और वहां पे जब टाइम स्पेंड करने के बाद वो सुबह सुबह येलो रिवर से भी चली जाती है. फिर वो ट्रेवल करती है, फिर वो शाम के समय ब्लैक माउंटेन पर पहुंचती है. अब एक ब्लैक माउंटेन क्या, ये एक्चुअली में एक माउंटेन का नेम है जो कि इनर मंगोलिया में है, मतलब चाइना में ही है. अब उसे अभी भी कोई फादर मदर की आवाज नहीं आ रही क्योंकि वो अपने घर से बहुत ज्यादा दूर है. उसे बस किसकी आवाज सुनाई दे रही है, जो उसके साथ माउंट येन का जो नोमेड हॉर्स है, बस उसकी आवाज सुनाई दे रही है. शी गोस 10,000 माइल्स ऑन अ बिजनेस ऑफ वॉर. मतलब अभी ये क्या चल रहा है, पूरा युद्ध का व्यवसाय चल रहा है. मतलब हर कोई किंग दूसरे किंग को हराने के लिए, अपनी एक प्लेस पर ऑनरशिप जमाने के लिए युद्ध करे जा रहा है. तो इसी जर्नी में जो मुलान है वो अपने घर से 10,000 माइल्स की दूरी पर आ चुकी है. अब वो क्या करती है, माउंटेन पासेस को क्रॉस करती है. आपको इमेज में शोन हो रहा है कि वो माउंटेन एंड पासेस को क्रॉस करती है.
अब उसको पास करने के बाद जो नदन की साइड से मतलब जो हवा के झोंके आ रहे हैं ना, उसमें उसे मतलब जैसे बहुत बड़ी आर्मी की फौज आती है तो कैसी आवाज आती है हमें कि कोई आ रहा है इस साइड, वैसी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो देखती है कि जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है, सोल्जर ने एक आयरन आर्मर पहन रखा है जिसपे बहुत ही जब ठंडी ठंडी मतलब सूरज निकला हुआ है बट हवा ठंडी है, उसकी जब लाइट पड़ रही है ना तो वो शाइन कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मुलान है वो अपने घर से निकल चुकी है, वो युद्ध में वो भी पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि उसका कोई बड़ा भाई नहीं है, उसके फादर नहीं जा सकते हैं तो वो युद्ध में अब पार्टिसिपेट कर रही है और युद्ध लड़ रही है। अब थोड़ा सा टाइम ऐसे बीत जाता है, बहुत सारे जनरल मर जाते हैं इतनी बैटल्स में, बहुत सारे सोल्जर मतलब अब युद्ध स्टॉप हो चुका है। अब वो 10 साल बाद अपने घर जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्काउट सोल्जर का क्या मीनिंग है, मतलब जो बहुत ही बलवान साहसी सोल्जर है। अब जो मुलान है वो भी जब मतलब युद्ध करने के बाद वापस जा रही रहती है तो वो फर्स्ट टाइम किसको देखती है, सन ऑफ हेवन मतलब जो एम्पीरियर किंग है, जो एम्पीरियर किंग है वो स्प्लेंडिड हॉल में बैठ जाते हैं। अब क्योंकि वो लोग युद्ध जीत चुके हैं तो वो प्रमोशन बांट रहे होते हैं और वो प्रमोशन के तौर पर 12 रैंक में प्रमोशन दे रहे होते हैं। मतलब जैसे कि आर्मी में होता है ना मिनिस्टर सेनापति, तो ये जो पोजीशन है ना उनमें प्रमोशन दे रहे होते हैं और प्रमोशन के तौर पर वो 100,000 और बहुत सारे इनाम दे रहे होते हैं। तो इसी में जो वहां का एम्पीरियर है वो मुलान से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो मुलान जवाब देती है, मतलब हमें ऐसा पता चलता है कि मुलान के लिए जो मिनिस्टर के पोस्ट है उसका कोई यूज नहीं है, वो बस चाहती है कि वो जो उसका तीव्र घोड़ा है स्विफ्ट माउंट, स्विफ्ट का मीनिंग होता है तीव्र और माउंट का एक मीनिंग होता है घोड़ा, वो बस उस पर चढ़ के वापिस अपने घर जाना चाहती है। जब उसके फादर मदर ये सुनते हैं कि उनकी डॉटर आ रही है तो वो अपने घर के बाहर जाते हैं उससे मिलने के लिए, एक दूसरे की तरफ वो ऐसे झुकाव के मतलब ऐसे देखते हैं। जब उसकी एल्डर सिस्टर सुनती है कि उसकी छोटी बहन आ रही है तो शी फिक्स हर रॉक फेसिंग द डोर, मतलब वो ऐसे मिरर के सामने बैठी होती है, वो जल्दी जल्दी रॉक एक तरीके का रेड पाउडर होता है जो समय कॉस्मेटिक चीक पे लगाने के लिए यूज होता था, तो वैसे जल्दी लगाते लगाते उठती है। जब लिटिल ब्रदर सुनता है कि उसकी बड़ी बहन आ रही है, मतलब मुलान का कोई एल्डर भाई नहीं था, छोटा भाई था, जब वो सुनता है कि उसकी एल्डर सिस्टर आ रही है तो वो जल्दी में मतलब सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। उसका मुलान का भाई क्या करता है, वो मतलब ऐसे तलवार की धार जो नाई पे उसको तेज करा रहता है तो जल्दी जल्दी से क्विक उसको तेज करता है पीगो शिप के लिए, मतलब उसका मतलब जहाँ पे वो अपने भेड़ बकरियां रखते हैं। और जब मुलान मतलब सब ऐसी कंडीशन अब मतलब उसकी फैमिली का रिएक्शन अब चला गया है, अब हमें मुलान के बारे में पढ़ना है कि जो मुलान है वो उसके ईस्ट में जो चैम्बर है उसका गेट खोलती है और वहां पे वेस्ट रूम में जाकर अपने सोफे पर बैठ जाती है। वो मतलब जो उसने युद्ध के कपड़े पहने हुए थे ना वो उसे उतार देती है और अपने जो पुराने कपड़े उसे पहन लेती है। वो ऐसी बाहर विंडो में देखती है, मतलब है तो मुलान असल में गर्ल ही ना, वो बॉय थोड़ी ना थी, तो वो क्या करती है उसने ऐसा बॉय जैसा दिखने के लिए उसने अपने बालों को ऐसा मतलब ऐसा जूड़ा बना लिया था फॉर एग्जांपल, वो उसे ऐसा खोल लेती है और अपने चेहरे पर एक येलो कलर का पाउडर लगाती है। ऐसा करने के बाद वो दरवाजे के बाहर जाती है और अपने कॉमरेड्स मीन उसके जो कंपेनियन उसके जो साथी थे जो युद्ध में उसके साथ थे मतलब वो वहां पे जाती है बाहर जाती है तो उसके जितने भी कंपेनियन कॉमरेड्स है बहुत ही ज्यादा अमेज एंड परप्लेक्स हो जाते हैं, डेट मीन्स वो हैरान हो जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं, मतलब उनके लिए चीज बहुत ही अजीब थी, थोड़े ऐसे उलझ जाते कि कैसे मतलब ये तो एक गर्ल है, मतलब वो उस मतलब मुलान के साथ पिछले 12 सालों से ट्रेवल कर रहे युद्ध में बट उन्हें आज तक पता नहीं चला कि वो एक गर्ल है। मतलब हमें पता चला कि मुलान जब फादर से मिलने गई थी और अब जब वो घर वापस आ रही तो इसमें उसको 12 साल का टाइम बीत चुका है और 12 साल में उसके कंपेनियन को पता ही नहीं चला कि आखिर में वो एक क्या है, एक गर्ल है। फिर भी उसने अपनी एक बॉय की तरह आर्मी में सहयोग किया और हेल्प की युद्ध में उनके जीतने के लिए। तो सो हमारी स्टोरी अब एंड हो चुकी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।